प्रभु का गवाही में जाने से पहले मैं इतने लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जो मेरे को मतलब मेरा नाम से नहीं जानता है जो तो मैं अपना परिचय अपना मतलब इंट्रोड्यूस जो होता है वो बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अकबर अली है। तुम यार बर्निंग बुश मंडली में सेवा करता हूँ, वहीं पर मेरा संगति करता हूँ। और गवाही में जाने से पहले एक प्रभु का वचन पढ़ेंगे ना, तो वो वचन है मेरा बपतिस्मा, जो मुझे प्रभु ने बपतिस्मा के समय जो प्रतिज्ञा मुझे दिया था वो प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। वो जेनेसिस का किताब निकालें, जेनेसिस बुक ऑफ जेनेसिस 22 अध्याय का 17 पद है ना, मैं पढ़ रहा हूँ। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकार होगा, है ना। ये वचन प्रभु ने मुझे दिया था मेरे बपतिस्मा का समय में, है ना। तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर है वो बिहार है। आप तो बिहार का नाम तो सुना ही होगा। तो बिहार में मेरा फैमिली जितना भी है वो मतलब क्या गवर्नमेंट सर्विस होने के वजह से गुवाहाटी जो वशिष्ठ चारली है वहाँ पर उन्होंने क्या क्या ट्रांसफ़र हुआ था। जब मेरा मम्मी पापा सारे लोग मतलब यहाँ पे गुवाहाटी में आया था तो वहाँ में गवर्नमेंट सर्विस जब पिताजी का जब ड्यूटी था तो वहाँ पे मतलब मेरा जन्म जो है वो गुवाहाटी का बेलतला है, तो 151 आर्मी हॉस्पिटल था। मेरा फादर मेरे पिताजी जो है वो आर्मी में मतलब जॉब था उनका, तो वो जॉब का वजह से उनका ट्रांसफर होकर के तो इस वजह से वो क्या हुआ उनका नौकरी हो तो वहीं सेटल हो गए थे। तो इसी तरह मतलब हम लोग फैमिली में मतलब इसी तरह मेरा जन्म मुस्लिम मतलब जो बैकग्राउंड है वो हमारा सारा मुस्लिम परिवार से होता है ना। आज भी मतलब इस तरह से बहुत मुस्लिम लोग बहुत लोग क्या है मतलब जल्दी है ना जल्दी प्रभु के मतलब ऊपर जब भी विश्वास है कि नहीं। तो अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जब का जन्म वशिष्ठाचार में हुआ तो इस तरह फिर मेरा फिर जैसा मेरा उम्र होते गया बढ़ते गया, हर एक प्रकार का मतलब आदत गलत गलत आदत जो दोस्त लोगों के बीच में रह करके इस तरह मैं ऐसे बढ़ते गया है ना। परिवार इस तरह हम लोग परिवार तो अच्छे था क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस होने की वजह से कोई ऐसा मतलब तकलीफ नहीं था, हमें जीविका के लिए अच्छा था। तो फिर जीविका बहुत आराम से गुजर रहा था क्योंकि गवर्नमेंट का वजह से था तो हम लोग को सब सुविधा उस समय था। तो वहाँ पर मतलब क्या है, मेरा जो हम लोग क्वार्टर था वहाँ में, क्वार्टर का आसपास में मतलब क्या होता था वहाँ पर बहुत डोमिनेंट क्रिश्चन है, सच्चे धर्म मुक्ति उस टाइम में वो लोग नहीं पाया था क्रिश्चन वहाँ पर लोग ऐसा रहता था। तो खाली हम लोग मुस्लिम परिवार खाली हमारा था और दो तीन था, तो क्रिश्चियन परिवार तो मतलब खाली बाकी लोग सारे क्रिश्चियन हिंदू मतलब सारे लोग थे वहाँ पर बहुत सारे लोग, खाली हम लोग ही मतलब खाली जो बिल्डिंग में रहते थे वो सारा बिल्डिंग। और इस तरह दोस्त लोगों के साथ मिलके थोड़ा पीना के लिए शुरू किया और इसी तरह से मतलब संसार के जितना भी अभिलाषा है फिर मेरा जीवन में आ गया। मैं फिर एक मतलब एक गलत जीवन जीने लगा और इस तरह मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा मृत्यु होने के बाद या मैं मरने के बाद मेरा क्या होगा, इसका मेरा कभी मन में सोच और ख्याल आया ही नहीं था। तो इस तरह से सारा ऐसे ही जीवन जीता गया जीता गया जीता गया जीता गया। तो आप लोग को पता होगा ब्रदर जॉन वो गुवाहाटी का नाजरत का है ब्रदर जॉन, तो वहाँ पे उल्लक पहले रहते थे। पहले उल्लक भी उद्धार मुक्ति नहीं पाया था, पहले उल्लक भी मतलब हमारे जैसे मतलब जैसे संसार के लोग थे ना वैसे था, उनको भी मतलब क्रिश्चियन तो थे वो लोग पर फिर भी वो लोग मतलब क्या है सच्चा रीति से मतलब प्रभु को पाने के बाद हम जीवन परिवर्तन होता है, जीवन उद्धार मुक्ति होता है। इस तरह का वो उस तरह का जीवन नहीं था क्योंकि हम लोग सब एक ही साथ उठते बैठते दोस्त जैसे था, क्योंकि क्वार्टर बगल था उनका और सामने होने के कारण हमारा घर में आना जाना उनका भी, हम भी उसका घर में आना जाना करता तो वो भी हमारे घर में आना जाना करता। इस तरह मतलब क्या है हमारा जीवन यापन हो रहा था चल रहा था। और इसी तरह और एक दिन ब्रदर जॉन मतलब क्या हुआ था उनको इतना बहुत मतलब वो संसार में मतलब बहुत आगे था, मतलब खेलने खेलने में हो गया या फिर
इस तरह मतलब बहुत सारे काम में वो आगे था। तो उनको अचानक क्या हो गया कि मतलब वो इस सब चीज़, कभी उनको बोलता था चलो उधर जाएगा वो मना करता था नहीं जाऊंगा, और कभी बोलता था चलो फिल्म देखने जाएगा तो वो बोलता नहीं जाऊंगा, चलो क्रिकेट खेलने जाएगा था नहीं खेलूंगा, कभी आएंगे तो नहीं खाएंगे। तो फिर मतलब मैं उनको सोचा मैंने, अरे ये इसको हो क्या गया, इतना दिन तो पहले ठीक था, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जॉन को क्या हो गया। उसको खाली जॉन नहीं, और वो उनका जितना होल फैमिली, डेजी हो गया, फिर पीटर हो गया, यार्दन हो गया, साधु, सब पूरा फैमिली पूरा मतलब प्रभु का सेवा में, मतलब प्रभु को बात मतलब पाने के बाद इसका जीवन हो गया। तो मुझे तो पता नहीं था प्रभु पाने के बाद क्या है इस तरह। और वहाँ से और उसको मैंने और उसको मैं सोचा अरे ये क्या हो गया इन लोगों। तो फिर तो मेरा घर, उनका घर आना जाना होता था पहले का जैसा, पर पहले का जैसा वो व्यवहार बात विचार नहीं था। तो इस तरह मैं भी सोचा अरे, क्योंकि इतना ज़्यादा भी मेरा उम्र नहीं था, मुझे भी इतना ज्ञान और समझ नहीं था, मैं भी बचपना उम्र 10-11 साल 12-13 साल का ही था उस टाइम। तो ऐसे उम्र और थोड़ा बढ़ते गया, 1-2 साल और निकला बीता, और फिर बातें इस तरह उन्होंने, फिर मैं भी उनका घर में आना जाना कम कर दिया, क्योंकि अब वो लोग प्रभु के लोग और संसार के लोग थोड़ा अलग अलग होने लगते हैं ना। जब प्रभु का लोग क्या करते हैं, जब हमने प्रभु को पाया होता था, फिर संसार के लोग तो क्या है, दूरी बनाते हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ रहने से फिर उनके ही जैसा खेलना, बातचीत करना, बात विचार करना, सारा उनका जैसा करना पड़ता है। अगर हम प्रभु संगति में रहते हैं तो प्रभु का लोग क्या है, प्रभु का संगति में लोगों के साथ में ज़्यादा संगति करते हैं, और क्योंकि उनको प्रभु का डर भय रहता है कि हम लोग गलत ना करें बोल करके। इसी तरह वो क्या करता, वो इंसान प्रभु का वहाँ में ज़्यादा उनका मतलब ज़्यादा ध्यान हो गया था। मेरा फिर और करो दिवाली लोग जितने भी जो भी बोल रहा का नाम वो सारा, तो वो मतलब वो चीज़ आपका क्या है वो मायने नहीं रखता था मेरे लिए। मुझे क्योंकि घर क्या है, मुक्ति क्या है, मरने के बाद क्या होगा, इस तरफ का मेरे को मतलब समझ ही नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग में ये बात था ही नहीं क्योंकि मरने के बाद क्या होगा। पर मैंने दिन ऐसे एक दिन क्या हुआ, जो एक और ब्रदर आनंद और सैमसन का परिवार था, और उसका भाई एक बहुत छोटा था, मेरा उम्र का था, मेरा एज का था, तो हम दोनों बहुत दोस्त था, मतलब बहुत गहरा दोस्त था। तो मुझे मजाक में खाली मुझे मुस्लिम जो है मुस्लिम बोल के बोलता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, और वो लोग एक्शन करके जो मुस्लिम जब नमाज पढ़ने के टाइम में जब करके खुदा को मतलब है ना कन्वर्ट करते हैं, तो उस तरह का एक्शन लेके मैं करता था, और मैं भी उस समय उन लोग क्या करता था, प्रभु मेरा खुदा ने तो ऐसा किया तरह तुम लोग का इंसान लोग ऐसा करता था, मुझे मजाक उड़ाता था। तो मुझे बहुत इस प्रण करता था, मुझे बहुत दुख होता, तो मैं उस तरह का उन लोगों को रिप्लाई करता था। तो पर फिर उन लोगों का फिर दोस्त था, चलो एक झगड़ा होता फिर मिलता, मेरे बचपन में क्या होता छोटा बच्चा खेलते खेलते झगड़ा करता था फिर मिल जाता था, तो हम लोग फिर मिल जाता था, मतलब क्रिसमस होता था, क्रिसमस जॉन परिवार लगा बहुत सारे लोग मैंने खा, जैसे कि वहाँ में बहुत क्रिश्चन परिवार था, और हम लोग क्रिश्चन लोग क्या होता था उन लोग क्रिसमस को बहुत अच्छा धूमधाम से मतलब इंजॉय करता था वो लोग, क्योंकि जॉन परिवार लोग और बाकी जितने भी वहाँ पर अभी विश्वासी है अभी अभी बहुत अच्छा सेवा करते हैं, तो अभी अभी तो लोग पहले वो लोग नहीं करने का नहीं पाने का आने से हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। इस तरह का जीवन बीत रहा था, इस तरह का जीवन मेरा चल रहा था इस तरह से गुजर रहा था इस तरह से, पर मुझे मालूम नहीं था कि मेरा मृत्यु के बाद क्या था। एक दिन ऐसा आया, तो ब्रदर जॉन जो मैंने कहा था कि वो मतलब है ना वो उनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो मैं एक दिन घर के बाहर अपने घर का बाहर खड़ा था, घर का बाहर खड़ा होकर ऐसे तो उन्होंने बोला नहीं कि चलो जाएंगे, मैंने बोला कि चलो किलिंग काटा जाएंगे, तो वो तो किलिंग काटा बोल के तो क्या वो चर्च में लेके चल गया, चर्च में लेके चला गया। तो मैं जाकर के मुझे चर्च में जाकर तो मैं अब बैठा, बहुत सारे लोग है, तो हम अंकल था उस टाइम गुवाहाटी नाजत मंडी का, तमाम अंकल और उनका फैमिली था,
तो अंकल लोग लोग पूछा आपने क्या, मैं बाहर में बैठ के ऐसे इंतजार करता था, श्यामा अंकल आया तो पूछा भाई का नाम क्या है, मैंने बताया आप कहाँ रहता है, तो मैंने बताया बस जॉन का घर का बगल में रहता हूँ, उन्होंने बोला तो आप ली में आया, बहुत खुशी लगा आप इसी तरह मतलब और भी आते रहिए, आप प्रभु के बारे में जानिए। फिर अंकल को फिर चीज लगा, तो इसी तरह का वो कॉटेज मीटिंग चल रहा था, कॉटेज मीटिंग चल रहा था, मैं कॉटेज मीटिंग में जाके बैठ गया सबसे पीछे, मुझे शर्म लग रहा था, इतना सारा लोग कोई मुझे जानता नहीं है, कोई किसी को मैं भी नहीं जानता, किससे बोलूंगा क्या बोलेगा, तो पीछे से जब पीछे में बैठ गया और पीछे में जाकर के बैठ करके कब खत्म होगा ये वचन के लिए, वहां में तमाम अंकल वहां से खड़ा होकर वचन दे ही जा रहा और मेरे को सुन सुन के मैं थक गया, बोर लग गया एकदम इतना, क्योंकि मुझे इतना बैठने का सुनने का इतना दिल नहीं होता था, और इतना बोर लग गया, ये पका रहा क्यों है बोल करके, बाप रे बाप, ये प्रभु 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 खाली प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह बोल बोल के इतना मुझे तंग कर दिया। तो मुझे इस तरह का वहां से फिर जैसे ही बोला कि हम लोग आज का खत्म अभी का खत्म है, तो मुझे बहुत दिल में खुशी शांति हुआ, अरे अच्छा हुआ खत्म हो गया। तो फिर मैं तो जाने वाला था, ब्रदर जॉन बोला ठीक है रुको अभी वो चाय जो सेवा के बाद में चाय होता है ना कॉटेज मीटिंग, चाय के लिए फिर बोला, तो फिर मेरा दिल खुशी हो गया, फिर मुझे समझ में आया चाय पीने मिलेगा बोल के बैठ जाऊँ, फिर इस तरह से मैं चाय पीने का संगति में, और मैं फिर बाद में क्या किया, चाय पीने के लिए मैं खाली जाता था मंडली में, और मंडली में हो गया कोई सेवा हो गया, और जैसे जॉन ब्रदर हमको बहुत ले लेके वो चला, मतलब बहुत दिलचस्पी है, तो मैं कब खत्म होगा, कब मुझे चाय पीने बिस्किट खाने के लिए मिलेगा, उम्र छोटा था, तो इस तरह का मेरा मन था, पर प्रभु का उद्देश्य देखे तो चाय का बहाना तू मुझे भी एक दिन पाएगा बोल के प्रभु ने, ये उद्देश्य था प्रभु, किसी को भी पाने के लिए, किसी का भी जीवन अगर प्रभु कि वो आत्मा बचे तो प्रभु कोई भी बहाना लेकर के उसको अपना पास लेके जाता है, मुझे भी चाय का बहाना या बिस्किट का बहाना या कुछ खाने का बहाना, मैं मंडली में होता है तो मैं उस बहाना से जाता था, और मेरा पार मेरा मम्मी और मेरा माँ पिताजी अपना परिवार का भैया या बहन कोई मतलब मुझे रिकॉर्ड नहीं करता था, तो फिर टाइम का मंडली में क्यों जाता चलता था ऐसे कुछ नहीं जाता था, क्योंकि उन लोग सोचता था नहीं तो सब भगवान एक ही है, सब इष्ट एक ही है, सब गॉड एक ही है बोलते, उन लोग भी मुझे मम्मी पापा लोग कभी रुकावट नहीं किया, जाने तो कहीं भी सब जगह एक ही है, क्योंकि मेरा मम्मी और जॉन का मम्मी एकदम सहेली जैसा था, उनका घर में आना जाना ऐसे ही है, तो मतलब उन लोग कभी नाराज नहीं होता था, मेरा परिवार लोग भी कभी मतलब मना नहीं करता था तुम लोग आप मत आओ, तो पर एक दिन ऐसा आया कि मेरा मम्मी ने देखा कि ये कुछ ज़्यादा ही जाने लग गया, ये तो हर बार जाने लग गया ये तो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा जाने लग गया, तो उनको मतलब चिंता हो गया, वो सोच उसको मतलब टेंशन हो गया कि अरे ये तो कहीं बाद में जाकर के कहीं क्रिश्चियन ही ना बन जाए, कहीं जाकर के बाद में ये हम लोग का धर्म को छोड़ दे, हम लोग का धर्म का लोग हमको फिर मजाक उड़ाएगा, हमको फिर ठट्टा करेगा, निंदा करेगा, अपमान करेगा, तो हमको एक दिन मना किया, तुमको एक दिन फिर मम्मी ने फिर बोला हमने का जो नहीं है क्यों जाना है, कभी गया वो अलग बात, बोला नहीं अच्छा लगता है मैं ऐसे ही वहाँ में मतलब ऐसे जाता हूँ बोल करके, तो बोला ऐसे जाने का जरूरत नहीं है, तो मैं फिर उस दिन नहीं गया, तो मम्मी ने मना कर दिया, तो फिर माँ ने मना कर दिया, तो फिर मैं उस तरह वहाँ पे नहीं गया, तो उस दिन मुझे थोड़ा दिल में क्या हुआ अशांति जैसा थोड़ा मन महसूस हुआ, क्योंकि प्रभु के पास जाने से थोड़ा अच्छा लगता था, मुझे खुशी होता था, है ना, तो फिर उस दिन नहीं गया, तो फिर भजन वहाँ से आ रहा था, तो मैं भजन बुलाया तो आज नहीं गया, तो मैं बोला नहीं वो मेरा मम्मी थोड़ा मना कर दिया था इसलिए नहीं गया, तो उनको भी थोड़ा लग गया, क्योंकि फिर किसी के पास जाके बोलने से थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, तो उनको थोड़ा कहीं ना कहीं दिल में चोट हुआ, तो वो मुझे फिर थोड़ा मना किया, फिर बोला तू मत जा, तेरा घर वाला फिर मुझे बदनाम करेगा कि तू मेरा बेटा को क्रिश्चियन बना रहा है, तू मेरा है ना लड़का को बिगाड़ रहा है, अपना धर्म से उसको भटका रहा है ना, गलत रास्ता में लेके जा रहा है, इस तरह से उन्होंने भी क्या किया ना उतना नहीं लेके गया, फिर कुछ थोड़े दिन बीता, एक महीना दो महीना बीत गया, तो फिर बाद में फिर जॉन ब्रदर एक दिन फिर मुझे बोला चलो ठीक है, तो फिर मुझे मैं भी खुशी खुशी मैं भी चला, जाने के बाद एक दिन ब्रदर का तमा अंकल है ना वो बोर्जार का क्या नाम है वो डेविड है ना डेविड, तो बोर्जार में एक डेविड है, तो ब्रदर डेविड जानता होगा, तो उन्होंने क्या किया डेविड ब्रदर ने, तो मुझे उनको हेब्रोन से आया था, तो उन्होंने उनका पास मिलाने के लिए मुझे लेके गया, तो मुझे संगति दिया, वो बाइबल खोल खोल मनुष्य जन्म आती है, मनुष्य जन्म प्रवेश नहीं कर सकता है, इस तरह का प्रभु हमारे लिए कल्वरी क्रूस में जान
दिया है, उनका लहू पे जो विश्वास करेगा स्वर्ग मिलेगा, इस तरह का कई बहुत सारा पुस्तक। उस समय मुझे मालूम भी नहीं था क्या है बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, खाली मैं एक कान से सुनता दूसरा कान से निकाल रहा, खाली बस जा रहा है जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम ग्रहण करेगा, तो मैं बोला ग्रहण ये क्या होता है बोल, तो ये जो ग्रहण मतलब कि प्रभु को, प्रभु का अपना ईश्वर को मतलब अपना ईश्वर मुक्तिदाता के रूप में आपको स्वीकार करना बोले। मैंने भी बोला मुझे भी मालूम नहीं था क्या हाँ करेगा बोल के, मैंने भी हल्का प्रकार में मैंने भी हाँ बोला करेगा। तो उस टाइम ब्रदर जॉन नहीं था, ब्रदर जॉन अलग कमरा में था, वो तमाम अंकल के साथ गिर गया था। तो अब देखिए एक पेड़ होता ना, पेड़ है, पेड़ में जब वो सूख जाता है उड़ते उड़ते वो पेड़ से हवा चलने से जब उड़ते वो चला जाता है। तो मेरा भी पाप मतलब इसी भी ऐसा, मेरा आत्मा भी ऐसे हो गया था जब प्रभु ने छुटकारा दिया वो तो हल्का हो गया था एकदम उड़ते उड़ते एकदम मुझे बहुत आनंद खुशी। तो दिया तो मैं अपना घर में बहुत उस दिन खुशी था बहुत। तो बाद में फिर उठा सुबह उठने के बाद स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद फिर 3-4 बजे छुट्टी हो गई, रूम में आया तो फिर मैं ब्रदर जॉन के घर में गया। तो वहाँ मैं जाने के बाद उन्होंने उनसे मैंने बोला मुझे एक बाइबल दो बोल के, तो उन्होंने मुझे बाइबल तो है कि नहीं देखना पड़ेगा बोला, देखता हूँ मैं होगा तो तुमको दूंगा। तो उन्होंने मुझे बाइबल दिया, वो न्यू टेस्टमेंट दिया। तो मुझे न्यू टेस्टमेंट दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला आप लोग बड़ा बड़ा बाइबल पढ़ता है, अब मुझे छोटा बाइबल क्यों देता है, आप न्यू टेस्ट नया बाइबल है। तो मुझे नया पुरना का तो टाइम मालूम नहीं मुझे, मैं बोला नहीं मुझे बड़ा ही वाला दो, पूरा बड़ा वाला दो बोलना, मैं बड़ा बाइबल पढ़ूंगा, छोटा मुझे बच्चा मत सोचो, मैं बोला मैं मुझे छोटा बाइबल मत दो बोल, मुझे बड़ा बाइबल नहीं, तुम ये पहले पढ़ के ख़त्म करो, ख़त्म करेगा तो तुम हमको हम बड़ा बाइबल देगा बोला। तो मैं रात को तो फिर सारा मेरा फैमिली सारा बिहार चले गए, तो हमने चले गए थे, लोग बोला तो तुम नहीं जाएगा, मैं बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं कुछ काम करके मैं यही रहूँगा। तो मैं इसी में काम करना शुरू किया। तो मुझे फिर पीछे में उस टाइम पीछे बहुत चलता था, उस टाइम पीछे में ड्यूटी गया। तो फिर स्कूल मैंने छोड़ दिया, फिर स्कूल छोड़ने के बाद परिस्थिति थोड़ा फिर माहौल बीमार लगा, फिर मुझे काम करने का जरूरत पड़ी गया। तो फिर मैंने पीछे ज्वाइन किया, पीछे में काम करते करते क्योंकि वहाँ में तो संडे को ज़्यादा सेलिंग वहाँ का जिस फैमिली में रहता था वो फैमिली का आदमी मुझे निकाल दिया, ना मेरे पास घर था और ना मेरे पास काम था, मैं मतलब रास्ता में आ गया। तो मैं सोचा अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं फिर हमेशा याद है जॉन का पास जाने से मुझे कुछ काम क्या देगा नहीं क्या। तो उस दिन रात भर मुझे 9 बजे जिसका घर में रहता था 9 बजे और रूम से मुझे निकाल दिया। रात को निकालने के बाद जो एक बहुत एक जंगल था और टैंकी था, वो वहाँ में सारा टैंकी था, वहाँ में हम लोग छोटे में होकर के मतलब टैंकी वहाँ में ताश उस खेला करना, सिगरेट विगरेट आटा मारना सारी लगता था। रात को 9 बजे क्या करेगा, मौसम भी उस दिन गर्म का था, तो वही टैंकी के ऊपर में जाके मैंने सारा रात बिताया। और अपने मैंने उस टाइम वो खुदा को कोसा, अल्लाह को कोसा, तू कैसा ईश्वर है, कैसा खुदा है, तो अगर तू खुदा होता तो मेरा आज ये परिस्थिति नहीं होता, ये आज गलती नहीं होता, इस तरह का ऐसा बहुत कोसा। कोसने के बाद मैंने उनको मतलब फिर मैंने आज से तू मेरा ईश्वर नहीं है, मुझे कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा सोचता था मैं अपने ही जिंदगी में खुश हूँ, अगर इस तरह से मैंने उनको बद्दुआ दिया मेरे दिल से जितना भी हो उन्हें उसको कोसा और अल्लाह को इस तरह। फिर बाद में मैंने फिर परेशान होकर के कम से कम 10:30 बजे रात को मैं सोचा ब्रदर जॉन का पास जाता हूँ, वहाँ मैं मतलब रुकूंगा बोल के। तो उनका एक्स्ट्रा ब्रदर जॉन का अलग से एक रूम था, तो मैंने बेड़ा का रूम था, तो मैंने जैसे हल्का से बेड़ा का दरवाजा को खोला, खोल के देखा तो ब्रदर जॉन क्या कर रहा था, प्रार्थना में था, बाइबल पढ़ के प्रार्थना में था। तो मुझे फिर वापस मैं वहाँ से घूम के आया, घूम के आने के बाद मैं सारा रात मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि उसका अंदर में जाने रहा, तो उसको मैं बोलूँ कुछ कुछ हिम्मत ही नहीं हो गया। फिर वहाँ से वापस चाप पाँव चुपचाप से आ गया, आने के बाद टैंकी में अपना मतलब वहीं पर सारा रात सोया, सारा रात सोने के बाद फिर वहीं मैं इसी तरह अपना गुजारा। तो मैं फिर सुबह उठ करके सुबह हो गया, वही रात वहीं में गुजारा, फिर
कैंटीन था वहाँ में, वहाँ में चाय पिया, पैसा था 30-40 रुपये पॉकेट में, उसी से चाय पिया, चाय पी के मुँह धोया वहीं में जाकर कैंटीन में। तो वहाँ से धोके ब्रदर जॉन का घर में गया, वहाँ से जॉन का घर में गया तो मैं ब्रदर जॉन को बोला, तो ब्रदर जॉन मेरे लिए हेल्प कर दीजिए, आप मदद कर दीजिए, बोले क्या मेरे लिए कुछ काम ढूंढ दीजिए, काम ढूंढ दीजिए। तो बोला तू क्या काम करेगा, तू तो अभी मतलब बहुत छोटा है तो ज़्यादा काम कर नहीं सकेगा, मुझे तो काम तो करना ही पड़ेगा, फिर जीविका नहीं चलेगा मेरा, फिर क्या हो। तो उन्होंने कहा तुम अपने घर चला जाओ, अपना गांव चला जाओ, वहाँ में अपने परिवार के पास। तो मैं बोला नहीं, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे यहीं में कुछ भी काम कर लूँगा, मैं जैसा भी काम किया ना, जो भी काम, इस तरह परिस्थिति था उस तरह कुछ भी काम मुझे मिलता नहीं करने का। तो मुझे ब्रदर जॉन ने बोला ठीक है, आठ में बात करता हूँ। ब्रदर जीतन का फ़ोन किया वहाँ से कि ऐसा ऐसा भाई के मेरे पास है, उसको काम का बहुत जरूरत है, अगर वहाँ में कोई काम है तो वहाँ में उनको खबर दीजिए मुझे बल्कि शाम तक। नहीं, मुझे सुबह का नाश्ता उन्होंने खिलाया, खाना उन्होंने खिलाया, तो ब्रदर जॉन ने खाना पीना खिलाया शाम तक। मुझे बोला तुम मेरा साथ ही रहो बल्कि एक दिन, तो जब तक काम नहीं ढूंढता मेरा, मेरा घर में रहना, मेरे पास ही रहो। तो मैं वहीं का घर में रह गया, उसका परिवार मुझे थोड़ा सा जानने की वजह से मतलब बहुत प्यार था, उनका मम्मी हो गया, डेजी हो गया, पीटर हो गया, सब मतलब मुझे जानता था और सब लोग मुझे एकदम बहुत प्यार भी करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे घर में रखा और मेरे लिए काम बंदोबस्त करते थे। तो इस तरह जितने बोला भाई का भाई का फैक्ट्री है वहाँ में, अगर भाई काम करेगा तो वहाँ में आके वो काम कर सकता है। तो इस तरह यहाँ में एक बर्निंग बुश में, बर्निंग आर्ट में वो हॉल नाइट सेवा था, तो मैं और ब्रदर जॉन वो हॉल नाइट सेवा के लिए आया था। तो आप हॉल नाइट का सेवा भी है और रहो, और वो सुबह का टाइम ब्रदर गैस से भी बात करो। तो मैं हॉल नाइट का सेवा में भी आया, तो सुबह का टाइम में मैं इसी तरह वो बात सुना, सुनने का बात किया, तो ब्रदर गैस ने बोला ठीक है आप आ जाओ, उसके बोला ठीक है आप। तो ब्रदर जॉन और मुझे खुशी हो गया, चलो काम मिल गया, बल्कि मैं बहुत खुशी हो गया। तरह मैं चला गया वापस ब्रदर जॉन के साथ घर में, तो ब्रदर जॉन बोला ठीक है तू तेरा जो भी सामान है, कपड़ा जो भी है चाहिए तुझे, तू लेकर के वहाँ में चला जा, वहाँ में अच्छा से काम करना। मुझे समझाया कि देखो वहाँ में जाके कोई बदमाशी मत करना या ऐसे बेकार का काम मत करना, अच्छा से रहना, अच्छा से मतलब लोगों का बात सुनना और प्रभु को सेवा करना, मंडी में जाना। तो इस तरह से मुझे समझाया, मैं बोला हाँ मैं जाऊँगा, मैं करूँगा बोल करके, तो मैं चला गया। फिर भी वहाँ से फिर मैं सुबह का टाइम में निकला, तो मैं 10-11 बजे इसी तरह मैं बर्नियाट पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैं गैस का बेकरी में गया, तो गैस ब्रदर ने बोला ठीक है आप आ गया, तो बोला ठीक है। तो मुझे उन्होंने अपना सारा काम बता दिया, समझा दिया, तो मैं बोला ठीक है तो करूँगा। तो इस तरह वो ब्रदर भी गैस भी जो विश्वासी भाई था, मुझे अच्छा लगा चलो विश्वासी भाई की बेकरी का मैं काम करने मिला। तो वो भी मुझे थोड़ा मंडी में इसी तरह बेकरी में काम करते करते संगति हुआ, तो मुझे अच्छा लगा और इस तरह से ना प्रभु का लोगों का प्रेम और मुझे ज़्यादा मिलने लगा। तो फिर भी मेरा अंदर में फिर भी वो कुछ कुछ कमी था, कमी क्या, सिगरेट पीना मैंने छोड़ा नहीं था और थोड़ा बहुत मैंने कुछ कुछ खाना नहीं छोड़ा था और फिल्म देखना मैंने नहीं छोड़ा था उस टाइम में मैं देखता ही था। तो फिर इस तरह का फिर भी तो संडे का बोला था ठीक है संडे को तुम सेवा संगति जाया करना बर्निंग बुश मंडी में। तो मैं बोला चलो ठीक है मैं जाऊँगा। तो मैं इसी तरह हर संडे वो बेकरी का काम होता था, पर मेरे को छुट्टी खाली मेरे अकेला छुट्टी देता था, तो मैं अकेला संडे का इस तरह बर्निंग सेवा के लिए जाया करता था, आया करता था, आना था, वो सेवा संगत होता रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ, तो मतलब खाली एक सब कुछ मैंने धीरे धीरे कम कर दिया, वो फिल्म देखना भी बंद कर दिया एक एक करके, कि वो गलत चीज़ खा रहा था वो भी खाना छोड़ दिया। खाली एक चीज़ मुझसे नहीं छूट रहा था, वो सिगरेट पीना मुझसे नहीं छूट रहा था, वो बहुत मुश्किल से मैंने छोड़ा। तो एक दिन मैं ऐसे रास्ता में सिगरेट पी के चल रहा था, तो मैं प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने बोला तू मनुष्य से क्यों डरता है, क्योंकि मैं छुप छुप के पीता था, वो तो खुलेआम तो मैं कभी पीता ही नहीं था, क्योंकि मैं जब भी कहीं कोना में बैठ करके पीता था। तो वो प्रभु मुझसे बात किया तुम ये जो पी रहा है तुम सिगरेट, तो किससे डर के पीता है वो, किससे डर के पीता है। मैंने बोला हाँ वो भी बात सही है, अगर पीना है तो तुम सारे सबके सामने पियो, अगर तुम्हारा अंदर ये पाप है तो ये तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं भी फिर बोला चलो छोड़ दो, बल्कि मैंने भी वो सिगरेट तब से पीने के लिए फिर मैंने छोड़ दिया। तब मैं तो सोच रहा था अगर तुमको डरना है तो प्रभु से डरना है, कोई मनुष्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है बोलते। तो मैंने भी कहा तो प्रभु तो देखता है, क्योंकि प्रभु तो ऊपर से देख रहा था मैं सिगरेट पी रहा था गलत, कौन सा रास्ता गलत। तो इस तरह से मैं क्या है सिगरेट पीना भी वहाँ से छोड़ दिया। इस तरह से धीरे 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 फिर सेवा संगति, फिर अच्छे तरीके से प्रभु का धैर्य भय मानने के लिए फिर शुरू किया, उस तरह से अच्छा हो रहा था। फिर यहाँ में स्पेशल मीटिंग हुआ, तो
वहाँ पे बर्निंग हार्ट बर्निंग बुश स्पेस मीटिंग हुआ, तो वहाँ पे मुझे रणबहादुर जो बेथल का रणबहादुर था और वहाँ से बहुत सारे सिक्किम का वहाँ से लोग आया था, काफ़ी लोग था। मैं नाम उस टाइम मुझे मैं जब पता भी नहीं था और क्या हो रहा था, इतना लोग इतना इतना ज़्यादा लोग होता है उस टाइम में, इतना नाम भी इतना पता नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, मुझे टेंट हाउस में रहने के लिए दिया, तो वहाँ पे बहुत सारा लोग था, तो मैं और गर्ल जॉन भी था। और गर्ल जॉनिंग पर वहाँ में वो शाम का 3-4 बजे मतलब क्या हो गया था, वो इस तरह का कुछ होता है ब्रदर गैदरिंग होता था, तो हम मतलब मैं पर ब्रदर गैदरिंग में नहीं गया था, मैं उधर में था। तो एक दास लोग वहाँ में बैठा हुआ था, मुझे बोला था भाई वो से और में जाओ, बोला अंकल मुझे मतलब कहाना है मुझे दिल नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़ा वो उन्होंने तो बोला उन्होंने, फिर टेबल खोल करके फिर मैंने फिर मुझे पूछा तुमने बपतिस्मा लिया, मैं मतलब बपतिस्मा नहीं लिया। मेरे साथ एक और लड़का था वो भी, उनको पूछा नहीं है, वो भी भाटी का दोस्त था, वो भी आया था इस स्टेशन में, तो हम दोनों वहीं में बैठ करके बातचीत कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, ऐसे बेकार का टाइम वेस्ट कर रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम, तो उन्होंने फिर क्या किया, वो उन लोग सिक्किम का था शायद, सिक्किम था और रणबहादुर अंकल था, तो रणबहादुर खाली याद है मुझे, और वो कौन अंकल था मुझे याद नहीं है, नाम भी पता नहीं है। उन्होंने फिर टेबल खोल कर फिर समझाना शुरू किया, हम दोनों भाई को पूरा समझाना शुरू किया, समझाते पूरा आधा घंटा एक घंटा फिर लेने आया था। फिर उन्होंने फिर बोला कि ग्रहण करेगा, तो मैंने बोला फिर ग्रहण तो मुझे याद आया, तो ग्रहण तो पहले भी किया, तो अगर ग्रहण किया मैंने तो ग्रहण किया था, तो अगर ग्रहण किया तो अगर मतलब फिर दोबारा अगर आपको मतलब कन्फर्म नहीं है, अगर आपको लगता है कि फिर दोबारा मतलब जितन ने भी फिर मुझे बोला भाई अभी तो सेवा संगति आ रहा है तो प्रार्थना करो बपतिस्मा के लिए, प्रार्थना करो, है ना। इस तरह से मैंने बपतिस्मा के लिए भी प्रार्थना किया, और फिर समय आया तो मैंने क्या फिर बपतिस्मा भी फिर मैं लिया, है ना, नवंबर में को लिया 28 तारीख को, है ना। उस साल मुझे याद नहीं आ रहा समय, कभी और बता दूंगा आपको, पर मुझे वो सन याद नहीं आ रहा, पर वो 28 नवंबर का पर दिन था, वो मैंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा आसमान अंकल ऐसा ऐसे आया हुआ था उनका द्वारा मैं मेरा बपतिस्मा हुआ, और इस तरह मैंने अपना जो संगति हस्तक था, और इस तरह से मैंने पाया। और मेरा दवा यही है कि मैं और भी प्रभु में अच्छा और प्रभु की दृष्टि में ठीक अपना बिता सकूं, और क्योंकि एक दूसरे का प्रार्थना के द्वारा ही हम लोग देश के हैं, तो ये जो भी गवाही प्रभु ने देने के लिए सहायता किया, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, और मेरा गवाही और मेरा बात यहीं पर मैं अपना रखना चाहता हूँ।